आज की इस वीडियो में अपने मोबाइल फ़ोन से धनतेरस का पोस्टर बनाने वाले हैं। तो अगर आप भी धनतेरस का पोस्टर कैसे बनाएं सर्च कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए है। आप बिल्कुल इजीली बना सकते हो। अब कभी बैनर पोस्टर नहीं बनाओ फिर भी बना सकते हो, क्योंकि क्या मैं इसका ऑल मटेरियल दे दूँगा। जैसे कि सबसे पहले तो PLP फाइल है, अगर आप पूरा फुल एडिट करते हो तो आपको PLP फाइल दे दिया जाएगा। अगर नहीं तो आपको इस तरह से बैकग्राउंड मिलेगा और इस तरह से PNG भी मिल जाएगा, ब्लैंक पोस्टर का बैकग्राउंड भी आपको दे देंगे। तो सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाइए। PLP फाइल, टेक्स्ट, PNG एंड बैकग्राउंड सब कुछ का लिंक है, तो जाकर आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। एंड डाउनलोड करने के बाद गाइस आपको क्या करना है, एक एप्लीकेशन की आवश्यकता पड़ेगी जिससे बनाएंगे, जिसका नाम है पिक्सेल लैब। तो गाइस वीडियो को अच्छा से देखिए, क्योंकि ये सब फ्री में देते रहते हैं, तो वीडियो को अच्छा से देख लीजिए ताकि हमको भी कुछ बेनिफिट्स हो, तो हम और भी अच्छा अच्छा आपके लिए बना कर लाते रहेंगे। और वीडियो को लाइक अच्छा सा कॉमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। सो गाइस पिक्सेल लैब एप्लीकेशन आपको डाउनलोड कर लेना है, वर्ल्ड वर्जन वाला। मैं यहाँ से ओपन करता हूँ, कैंसिल करता हूँ, और जो न्यू टेक्स्ट है इसको सेलेक्ट करके डिलीट ऑप्शन से यहाँ से ओके कर लेता हूँ। अब गाइस आपका मन है, आप चाहो तो बैकग्राउंड पहले ले सकते हो। ऊपर थ्री डॉट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके यूज इमेज फ्रॉम गैलरी में जाकर बैकग्राउंड ले सकते हो। आप उसके ऊपर PNG फ्रेम PNG लगा सकते हो। फ्रेम PNG का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में ही, या फिर डायरेक्ट आप PLP फाइल भी ऐड करके ओपन कर सकते हो। तो सबसे बेस्ट होती है PLP फाइल, क्योंकि उसमें ज़्यादा कुछ आपको एडिट करने नहीं पड़ता है, ज़्यादा तामझाम नहीं करना पड़ता है। तो अगर PLP फाइल ऐड करना सीखना चाहते हो तो यूट्यूब पर सर्च कर सकते हो पिक्सेल में PLP फाइल ऐड कैसे करें, या फिर आती है तो अच्छी बात है, जाकर डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड करके और यहाँ से फाइल अनजिप करके और इसमें आप ऐड कर सकते हो। फिलहाल मैं यहाँ पे मैं ओपन कर लेते हैं, क्योंकि पहले से ऐड है। ओपन करने के लिए ऊपर थ्री डॉट वाले इस ऑप्शन पे क्लिक कर दूंगा एंड ओपन डॉट PLP फाइल का ऑप्शन में इस पर क्लिक कर दूंगा। इस पर जैसे क्लिक करूँगा तो यहाँ पर पहले से ऐड है, यहाँ से ओके करके और बैक बटन से बैक कर लूँगा, ठीक है। तो देख सकते हो काफ़ी मस्त पोस्टर है। अब गाइस यहाँ पे मैं बता दूँ कि अगर सिर्फ इस तरह से PLP फाइल डाउनलोड करते हो तो उसमें पासवर्ड है, पासवर्ड वीडियो में दो जगह पे कहीं भी देखने को मिलेगी। तो वीडियो को अच्छा से देखते रहिएगा ताकि आपको PLP फाइल अनजिप करने में कोई प्रॉब्लम ना हो, यानी जिप फाइल ओपन करने में, ठीक है। अब गाइस यहाँ पे देख सकते पूरा फुल एडिटेबल पोस्टर भी देते हैं, तो लाइक और कॉमेंट आपका आना चाहिए ताकि हमको भी अच्छा लगता है यार, समय लगा कर बनाते हैं, ठीक है। आप किसी के लिए बना रहे हो तो उसको चार्ज भी कर सकते हो, 50 से 70 रुपया जो भी आपका मन है ले सकते हो, ठीक है। अब गाइस यहाँ पे अगर आपको जो भी कुछ चेंज करना चाहते हो इसको सेलेक्ट करके नीचे ए वाले ऑप्शन पे क्लिक करके, एडिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके जो भी टेक्स्ट चेंज करना चाहते हो कर सकते हो। धनतेरस पे मैंने यहाँ पे लिखे इस धनतेरस आप कि सभी मनोकामनाएं पूरी हो, माँ लक्ष्मी आपके घर सुख समृद्धि सहित पधारे। तो यहाँ पे भी आप एडिट करना चाहते हो कर सकते हो एंड गाइज यहाँ से ओके कर सकते हो, तो यहाँ पे एडिट हो जाएगी। यहाँ पे एक देख सकते हो लाइन PNG भी है, तो अगर PNG भी डाउनलोड करना चाहते हो हर एक तरह से तो allpngfree.com वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो, जो कि मेरी खुद की वेबसाइट है, आप सबका अपना वेबसाइट है, ठीक है। अब गाइज यहाँ पे सिंपली से आपको सबसे पहले नाम चेंज करना है, तो इस फॉन्ट को आपको डिलीट नहीं करना है, सिंपली इसको सेलेक्ट करके और डबल क्लिक यहाँ पे कर सकते हो, या फिर नीचे ए वाले ऑप्शन पे क्लिक करके एडिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो। जैसे कि गाइज मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मैं अपना ही नाम लिख देता हूँ, ठीक है, देख सकते हो मैंने पिंटू, और फिर मैं यहाँ पे कुमार टाइप कर देता हूँ। कुछ इस तरह से अपना नाम हिंदी में लिख लेना है, आप चाहो तो इंग्लिश में लिख सकते हो। तो यहाँ पे देख सकते हो कुछ इस तरह से आ जाएगी, हल्का से इसको ऊपर करेंगे और यहाँ पे जो मोटा सब्जी इसका साइज़ हम छोटा कर लेंगे अपने नाम के हिसाब से, छोटा बड़ा करके यहाँ पर इस तरह से आपको एडजस्ट कर लेना है, ठीक है। अब ये यहाँ पर यूजर नेम है इसको सेलेक्ट करके डबल क्लिक या फिर एडिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ पर भी आप क्या कर सकते हो, आपका जो भी आपका यूजर नेम है कुछ इस तरह से आप टाइपिंग कर सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पे P2PTS टाइपिंग कर दी और यहाँ से ओके करोगे तो चेंज हो जाएगी। तो PLP फाइल का यही फ़ायदा है, साथ में सब PNG को भी आप एडिट कर सकते हो। सो गाइस मैं बता दूँ कि जी फाइल का पहला पासवर्ड स्क्रीन पर शो कर रहा होगा, देख सकते हो पासवर्ड। तो गाइस इस तरह से सब PNG भी आप मैनेज कर सकते हो, ठीक है। तो पूरा फुल एडिटेबल है, तो लाइक और कॉमेंट जरूर कीजिएगा। एंड गाइस यहाँ पर आप फोटो चेंज करना है तो इस फोटो को आपको सेलेक्ट करना है एंड यहाँ पे जो बीच में राउंड जैसे ऑप्शन है इस पर क्लिक कर देना है एंड यहाँ पे जो फर्स्ट में एक री सेलेक्ट का ऑप्शन है इस पर क्लिक कर देना है। एंड गाइस यहाँ से चलिए मैं अपना फ़ोटो अपने गैलरी में से ले लेता हूँ, जो कि पहले से मैं PNG बना करके रखा हूँ। तो चलिए मैं ये वाली फ़ोटो लेता हूँ और इस तरफ घुमाया, ठीक है। एंड गाइस मैं बता दूँ कि अगर आपको इस तरह से अपना फ़ोटो को फुल HD में PNG बनाने नहीं आती तो उस पर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो गाइस सबसे पहले तो यहाँ पे जो भी फालतू जगह रहेगी आपको फ़ोटो को इस तरह से चारों तरफ से क्या करना है, क्रॉप कर लेना है। अब गाइस यहाँ पे मेरा फ़ोटो इस तरफ है फेस, तो इस तरफ से हमको लाना है। तो एक फ्लिप का नीचे सबसे ऑप्शन है यहाँ पे, आप देख सकते हो, इस पर क्लिक करके हमको इस तरफ से
घुमा लेना, और फिर से यहाँ पे क्रॉप है जो इसको हम बीच में सेंटर में एडजस्ट कर लेंगे और सही वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे तो कुछ इस तरह से आ जाएगा। अभी इसको ऊपर करेंगे और इस कॉर्नर पे इस तरह से मोटा सा इसको छोटा करके और यहाँ पे कुछ इस तरह से एडजस्ट कर लेंगे तो काफ़ी कमाल का पोस्टर है गाइस। तो लाइक और चैनल पे न्यू दोस्त आए तो सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। एंड जी फाइल का दूसरा पासवर्ड भी यहाँ स्क्रीन पे शो कर रहा होगा, देख सकते हो पासवर्ड। इसको HD में सेव करने के लिए शेयर वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, कस्टम पर क्लिक करेंगे, सबसे नीचे अल्ट्रा क्लिक करेंगे एंड सेव टू गैलरी में। जैसे ही क्लिक करोगे आपकी गैलरी में सेव हो जाएगी। तो गाइज इस वीडियो में इतना ही, चलती मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।